The question given is if y is equal to tan inverse of p sin x plus q cos x upon p cos x minus q sin x, then we have to find the value of dy by dx. तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि tan of a plus b is equal to tan a plus tan b whole upon 1 minus of tan a into tan b. ठीक है, अब हमें गिवन है कि y is equal to tan inverse of p sin x plus q cos x whole upon p cos x minus of q sin x. अब हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को p cos x से डिवाइड कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हमें मिलेगा कि p sin x plus q cos x होल अपॉन p cos x होल अपॉन p cos x माइनस ऑफ q sin x अपॉन p cos x, ये आ जाएगा. दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x upon cos x plus q by p whole upon 1 minus of, यहाँ पे अगर हम देखें तो q by p into sin x upon cos x आ जाएगा. अगर हम q by p को लिखते हैं tan theta के equal, ठीक है, तो हमारे पास आएगा कि y is equal to tan inverse of sin x upon cos x, ये tan x हो गया, तो tan x plus tan theta होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan x इंटू tan थीटा. तो अगर हम देखें हमारा यही फॉर्मूला हो जाएगा, तो इससे हमें मिलेगा कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x प्लस थीटा. दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस थीटा. और हमें जो निकालना है थीटा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ q बाई p. तो ये हमें मिलेगा y इज इक्वल टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ q बाई p. अब हमें dy बाई dx करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ q बाई p. दैट इज dx बाई dx प्लस d बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ q बाई p. अब ये तो x के टर्म्स में है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, और dx बाई dx 1, तो 1 प्लस 0, दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू है dy बाई dx की, दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर. ऑप्शंस चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.